पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें सरकार ने चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार जताया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद से हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। सभी दलों के नेता पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव पर बारी बारी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। साथ ही उन्होंने हरियाणा में नियम 134A खत्म होने पर भी प्रदेश सरकार को घेरा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार के समय सरकार गरीबों के लिए ये कानून लेकर आई थी जिसे सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया है। जो हरियाणा का अधिकार है उस हरियाणा के अधिकार को देश में कोई नहीं ले सकता। एसओएल के मुद्दे को आप किस तरह उठाएंगे? और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तुरंत मुख्यमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, और जो हम पहले मुख्यमंत्री जी पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि आप टाइम ले प्रधानमंत्री जी से, हम जाने को तैयार हैं उनके साथ। एसवाईएल का फैसला हमारे हक में आया हुआ है, पंजाब पहले हमारे हक के पानी का फैसला जो हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमारे हिस्से का पानी हरियाणा में दिया जाए। मुख्यमंत्री जी तुरंत बैठक बुलाएं। जब पंजाब इस तरह के बार बार हरकत कर सकता है तो हरियाणा भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विधायक सभी सांसद एक साथ अगर जब जाएंगे प्रधानमंत्री जी पे, तो मैं समझता हूँ दबाव और देश में एक मैसेज जाएगा। 134A का फैसला बहुत गलत है हटाने का। 134A फैसले के हटाने से गरीब बच्चों के, गरीब परिवारों के बच्चों को जो पढ़ाई की सहूलियत प्राइवेट स्कूलों में 2007 में हुड्डा सरकार के दौरान दी गई थी, उसको जो है छीनने का काम ये सरकार ने किया है। हमारी मांग है 134 से दोबारा बहाल हो। प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है आज उनको छूट मिल गई है, कितनी फीस बढ़ाओ, और अब गरीब बच्चों को भी अब के दाखिले आगे से बंद करो अगले सत्र से। ये इस बात को ये ना सोचे कि गरीब बच्चे अकेले हैं, उनको बच्चा मान के ये सरकार उनको अकेला मत छोड़े, उनके साथ हम खड़े हैं। गरीब बच्चों के हकों की लड़ाई हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के भदानी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री गीता भुक्कल और विधायक कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ के मामले में दीपेंद्र हुड्डा ने सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठकर पीएम मोदी के सामने इस मामले में बातचीत करने का आह्वान किया है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।